गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 में संस्कृत विषय के अंतर्गत 11वां पाठ अमूल्यम वारिणः, मूल्यवान पानी, वाटर इज प्रेशियस, ये पाठ का नाम है। तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, इनका अर्थ ऐसे देखेंगे। अवध राज्य एक नृपह निवसत स्म, अवध राज्य में एक राजा रहता था, तस्य नाम हरिश्चंद्र आसीत, उसका नाम हरिश्चंद्र था। एकदा सह आखेटाय सैनिकैः सह वनम गच्छत, एक बार वह शिकार के लिए सैनिकों के साथ जंगल को गया। मध्यान्ह काले सह पिपासया व्याकुलः अभवत, दोपहर के समय में वह प्यास से व्याकुल हुआ। सह सैनिकान अवदत, उसने सैनिकों से कहा, सैनिकाः सैनिकों, कुत्रचित् वारिणः अन्वेषणम् कुरुत, कहीं से पानी को की खोज करो। सैनिकाः तस्यादेशेन इतस्ततः वारिणः अन्वेषणाय अगच्छन्, परम ते प्रत्यागच्छन् अवदन् च। सैनिकों ने उनके आदेश सैनिक उनके आदेश से इधर उधर पानी की खोज के लिए गए, लेकिन परम मने लेकिन वह वापस लौट आए। अवदन च और बोले, देव अत्र कुत्रापि वारिनास्ति, हे देव यहाँ कोई कहीं भी, कुत्र मने कहीं, कहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। वारि माने पानी, जल, ना अस्ति नहीं है। तदा नृपः अवदत, तब राजा बोले, यदि अस्मिन् काले कोऽपि मह्यं वारिं यच्छेत्, यदि इस समय कोई भी मुझे पानी दे, तदा अहम् तस्मै अर्धम् राज्यमपि यच्छेयम्, तो मैं उसे आधा राज्य दूंगा, मेरे द्वारा दिया जाएगा। तदा अकस्मात् कोऽपि ग्रामीणः जलपूर्णेन घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्रामं गच्छति स्म, तब अचानक कोई भी ग्रामीण गांव वाला जल से भरे हुए घड़े के साथ उस मार्ग से गांव को जा रहा था। नृपतम पृच्छत, राजा ने उससे पूछा, भद्र तव घटे किम अस्ति, हे भाई तुम्हारे घड़े में क्या है। सह अवदत, वह बोला, महोदय इदम वारि अस्ति, महोदय यह पानी है। नृपः अपृच्छत, राजा ने पूछा, इदं वारि कुतः आनयसि, यह पानी कहाँ से लाते हो। सः अवदत, वह बोला, समीपे एव लता कुंजे एकः कूपः अस्ति, निकट ही लता कुंज में एक कुआं है, ततः इदं जलमानयामि, वहीं से यह जल ला रहा हूं। नृपः अवदत, राजा बोला, वयम सर्वे पिपासा कुलाः स्मः, हम सब प्यास से व्याकुल हैं, अस्मान् वारि पायेह चेत,
तुभ्यम पारितोषिकम दास्यामि। इस पानी को पिला दीजिए, हम तुम्हें इनाम देंगे। ग्रामीणा सर्वान वारि पायेयति, गांव ग्रामीण ने सारा जल पिला दिया, यानी ग्रामीण सारा जल पिला देता, सारा पानी पिला देता है। यदा तस्मै नृप सुवर्ण मुद्रा यच्छति, जब वह राजा से सोने की मुद्राएं मांगता है, तदा सह कथे, तब वह कहता है, महोदय कसेदम मूल्यम, नहीं उसने, उससे राजा ने सोने की मुद्रा दी। एक बार इसे पुनः सुन लें, ग्रामीण ने सारा जल पिला दे, गांव वाला सारा जल पिला देता है। यदा तस्मै नृप सुवर्ण मुद्रा यच्छति, जब उसे राजा सोने की मुद्रा देता है, स्वर्ण मुद्रा देता है, तब वह कहता है, महोदय कस्येदं मूल्यम, यह किस चीज का मूल्य है। नृप वारिणः, राजा ने कहा पानी का। ग्रामीण गांव वाला बोला, महोदय किम कोऽपि वारिणः मूल्य दाने समर्थः अस्ति, महोदय क्या कोई भी पानी के मूल्य को देने में समर्थ है। नृपः राजा ने चिंतयति, राजा सोचता है, पुनः च वदति, और पुनः कहता है, नैव नैव, नहीं नहीं, अर्धराज्येन किम् पूर्णेन राज्येनापि वारिणः मूल्यादाने कोऽपि समर्थः, कोऽपि समर्थः न, नहीं नहीं, आधे राज्य से क्या पूरे राज्य को भी पानी के बदले में, पानी का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी आधे राज्य को क्या, कि क्या पूरे राज्य को भी पानी के मूल्य के बदले में देने को कोई समर्थ नहीं है। सर्वश्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठा प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्यम वारि सर्वेभ्य प्रयच्छते। सर्वश्रेष्ठा प्रभु, सबका सृष्टा, सबका रचनाकार प्रभु, बिना मूल्य के ही ये अनमोल पानी सबको देता है। परम भद्र पुरुष, लेकिन हे भाई सज्जन पुरुष, स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तो अधिगच्छ, अपने परिश्रम का पारितोषिक तो ले लो। ग्रामीण गांव वाला बोला, कीदृश श्रम, कैसा परिश्रम, ईश्वर यदि बिना मूल्य में वारयच्छति, ईश्वर यदि बिना कीमत के ही पानी देता है, तरहि तो वारिदानाय किम अहम पारितोषिकम अधिगच्छे, तो वार पानी देने के लिए मैं क्यों इनाम का अधिकारी हूं, मैं क्यों इनाम प्राप्त करूं। अमूल्यम वस्तु बिना मूल्य में प्रदास्यामि, अमूल्य वस्तु के बिना, अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के ही दूंगा, अमूल्य वस्तु बिना मूल्य में प्रदास्यामि, अनमोल वस्तु बिना मूल्य के ही दूंगा। पिपासितेभ्य वारिणः दानम सर्वेषां कर्तव्यमस्ति, प्यास से व्याकुल पानी, प्यासे के लिए पानी देना सबसे बड़ा कर्तव्य है, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम नैव इच्छामि, इसलिए मैं इनाम की इच्छा नहीं रखता हूं। नृपः राजा बोला, भद्र हे भाई, धन्यः असि, धन्य हो, यह परोपकारम करोषि च पारितोषिकमपि न इच्छसि, जो भलाई का कार्य करेगा और इनाम भी नहीं
इनाम की भी इच्छा नहीं रखेगा। भाई धन्य हो जो परोपकार करोगे और पारितोषिक भी नहीं इच्छा करते हो, रख लेना चाहते हो। ग्रामीणा पुनः घटेन सह कूपम प्रतिगच्छति, गांव वाला पुनः घड़े के साथ कुएं की ओर चला जाता है। ततः च घटम वारिणः पूर्णम करोति ग्रामम च गच्छति, और इस प्रकार वह घड़े को पानी से भरकर गांव की ओर चला जाता है। नृपः सेवका च ग्रामीणस्य औदार्यम्, नृपः सेवका च ग्रामीणस्य औदार्यम् पुनः पुनः प्रशंसन्ति, राजा और सेवक गांव वाले की उदारता को की बार बार प्रशंसा करते हैं। नृपः च वदति, और राजा कहता है सौभाग्यात् वारिणः प्राप्तिः अभवत्, सौभाग्य से पानी मिल गया, अन्यथा जीवनमपि असंभवम् आसीत्, अन्यथा जीवन भी असंभव था, जिंदा रहना भी असंभव था। वारिणः मूल्य दाने वयम समर्थाः, वारिणः मूल्य दाने वयम समर्थाः, पानी का मूल्य देने में हम सब समर्थ हैं। पानी का मूल्य, वारिणः मूल्य दाने वयम समर्थाः, पानी का मूल्य देने में हम सब समर्थ हैं। अमूल्यस्य वारिणः मूल्य दाने कोऽपि समर्थः नास्ति, अमूल्य पानी का मूल्य दान करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। यानी हम साधारण रूप से पानी का समर्थ मूल्य दे सकते हैं, लेकिन अमूल्य जो पानी है उसका मूल्य दान करने में हम सब समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं। छात्रा विद्यार्थी, अमूल्यस्य, हे विद्यार्थियों, अमूल्यस्य वारिणः अपव्ययम् कदापि न कुरुत, विद्यार्थियों अनमोल पानी का अपव्यय कभी भी ना करो। हे विद्यार्थियों, अरे विद्यार्थियों, कीमती पानी का अपव्यय कदापि ना करो, कभी भी अपव्यय ना करो। वारिणि दूषितानि वस्तूनि अपि मा क्षिपत, पानी से दूषित वस्तुओं को भी उसमें मत डालो। यत्नम कुरुत, प्रयास करो, यत् कि वारि सदा शुद्धम स्वच्छम च तिष्ठेत, कि पानी हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रहना चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ रहे। तो इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हुआ, और अगले टर्न में अगला पाठ। ओके।